आज हम बनाएंगे अपने किचन में बहुत ही टेस्टी फालूदा शरबत। रेसिपी बहुत आसान है, इसलिए रेसिपी एंड तक देखिएगा। और साथ में मैंने बनाई है फालूदा सिवैया। फालूदा सिवैया हम घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फालूदा सिवैया बनाएंगे हम, तो फालूदा सिवैया बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं यहाँ पे अरारोट। अरारोट या कॉर्नफ्लावर हमें लेना है। तो सबसे पहले पैन में हम अरारोट डालेंगे। 100 ग्राम हमारे पास अरारोट है, तो हम इसमें करीब 300 ml पानी डालेंगे। उसी नाप से मैंने 3 कप पानी ले लिया है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी तक गैस ऑफ था, अब हम गैस ऑन करेंगे और उसे अच्छे से चलाते हुए हम इसी तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है वरना इसमें लम्स बन जाएंगे। इस वक्त फ्लेम हमें हाई रखना है जब तक ये पक नहीं जाता, पकना शुरू नहीं हो जाता जब तक हम फ्लेम हाई रखेंगे। तो ये कुछ ही मिनटों में देखिए पकना स्टार्ट हो गया है। इसी तरह से हमें चलाते रहना है ताकि बहुत ही अच्छा बन जाएगा। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे से चिपक जाएगा और इसमें लम्स बन जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से ये चलाते रहेंगे तो कितना अच्छे से स्मूथ देखकर इसका डो तैयार हो गया है। फ्लेम हमें अभी हाई थी, अभी तक करीब इसको 2 मिनट लगे पकने में। अब हाई फ्लेम को अब हम लो कर देंगे। तो यहाँ जैसे ही इस तरह से पक जाएगा हम फ्लेम लो कर देंगे और ये बहुत ही अच्छा सा स्मूथ डो तैयार हो गया। लेकिन अभी ये वाइट है, जब तक हमें इसे पकाना जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। तो ये इस तरह से पकते पकते 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे, फ्लेम बिल्कुल लो रहेगी और 2 मिनट के लिए इसे हम दम पर रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। ये अच्छे से पकेगा तभी हमारी सिवैया भी बहुत अच्छे से पकेंगी और जब हम उसे मोल्ड से निकालेंगे तो वो बहुत स्मूथली निकलेंगी। जब तक उधर दम पर हो रहा है हम एक बाउल में बर्फ ले लेंगे और डाल देंगे इसमें पानी ताकि बहुत अच्छा सा ठंडा रहे। और इस तरह का सांचा लेना है जिसमें हम ये जाली लगाएंगे और इसे तैयार पहले से करके रख लेंगे। गैस ऑफ कर देते हैं। देखिए कितना ट्रांसपेरेंट हो चुका है ये, तो ऐसा ही चाहिए था हमें। गरम गरम ही इसे बनाना रहेगा हमें वरना ये ठंडा होके जम जाएगा। अब इस पर इसे लगा देंगे और यहाँ पर जो हमने ठंडा पानी लिया था अब इसमें इसे हम डाल देंगे। हल्के हाथ से इसे दबाना है ताकि एक जैसी बहुत ही अच्छी सी हमारी सिवैया बनकर तैयार होंगी। अगर आपको घर में सिवैया इस तरह से नहीं बनाना है तो मेरी दूसरी फालूदा की वीडियो है, उसमें मैंने अलग तरीका बताया है। उसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। पर देखिए ये बहुत ही अच्छे से सिवैया बनी है। इसे अभी हमें हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, इसी तरह से थोड़ी देर के लिए हम रहने देंगे ताकि ये ठंडी। देखिए जिस तरह से मतलब हमने ये अपनी ये ठंडी हो चुकी है, 10 से 15 मिनट इसे हमने इसी तरह से रहने दिया था। तो देखिए किस तरह से ये साइड से एकदम वाइट हो चुकी है, मतलब ये अच्छे से अब पक चुकी है। अब मैं आपको इसे दिखाती हूँ। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से बन चुकी है और ये देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छे इसके लच्छे तैयार हुए हैं। फालूदा बनाने के लिए सबसे पहले हम ये सब्जा सीड्स लेंगे और इसमें डाल देंगे हम 1 गिलास पानी ताकि अच्छे से फूल जाएगी। अब हम पैन में 1.5 लीटर दूध लेंगे, इसे गर्म होने देंगे। दूध अच्छे से बॉईल आ चुका दूध में, अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। तो शक्कर यहाँ पर मैं करीब 200 ग्राम डाल रही हूँ क्योंकि हम चाशनी नहीं डालेंगे, डायरेक्ट इसी में हमने शक्कर ऐड कर दी है। अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध में ऐड करने के लिए लेंगे हम कस्टर्ड। तो यहाँ पर वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है मैंने 2 चम्मच। इसमें हम दूध ऐड करेंगे, ठंडा दूध होना चाहिए ये, और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अब इसमें हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो इस तरह से चलाते जाएंगे और ये कस्टर्ड ऐड करते रहेंगे। इसे हमें 10 मिनट पकाना है। कस्टर्ड ये अच्छे से पक चुका है, इसे अब हम ठंडा करेंगे।
इसे मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया था। अब ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम फ्लेवर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे केवड़ा एसेंस। अब इसमें ऐड कर देंगे हम घर की मलाई। और साथ में ऐड करेंगे हम मावा। मैश कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें। अब इसमें हम डाल देंगे रोज वाटर। 2 चम्मच यहाँ पर हमने रोज वाटर डाला है, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी बढ़ेगा इसका। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमने सब्जा सीड्स को जो भिगाया था ये भी तैयार है। इसे हम ऐड कर देंगे इसमें। साथ में ऐड करेंगे सेवइयां जो हमने बनाई थी। तो देखिए इस तरह से हमारी बहुत ही बढ़िया सेवइयां बनकर तैयार हुई हैं। इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे तो अभी यहाँ पर ये बनकर तैयार है। अगर आप इसे स्टोर करना चाहें तो फ्रीजर में ये ग्लास में सबसे पहले हम लगाएंगे, स्टोर हो जाएगा। नहीं तो सर्व करने के लिए इसमें ढेर सारी बर्फ डालें और सर्व कर दें। फिर इसमें डालेंगे हम सिवैयां हमारी जो हमने बनाई है। फिर हम ये सीड्स डाल देंगे। चाशनी की जगह हम डाल देंगे थोड़ा रूह अफ़ज़ा। फिर इसमें डालेंगे हम कस्टर्ड जो हमने बनाया था अभी। ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा मावा। थोड़े से डालेंगे इस पर ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने इसको बनाया है सिंपल तरीके से। और यहाँ पर बनाया है मैंने उसको, मैंने फ्लेवर दिया है रोज़ का, मतलब रूह अफ़ज़ा का दिया है रोज़ फ्लेवर में इसे बनाया है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।